चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह अपनी बिजी शेड्यूल के लिए जाने जाते हैं। जी हां, आपको बता दें कि पवन सिंह हमेशा अपने कोई ना कोई फिल्म की शूटिंग करते रहते हैं, तभी तो इनकी फिल्में हमेशा बैक टू बैक भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देती है। इसी कड़ी में सुपरस्टार पवन सिंह की एक और नई फिल्म का पहला शेड्यूल कम्प्लीट हो चुका है। जी हां, जिसकी जानकारी सुपरस्टार पवन सिंह ने खुद अपने फेसबुक अकाउंट पर दिया है। उन्होंने लिखा है कि काफी सालों के बाद हुआ जोधपुर से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दिया है। हाँ, और यह फोटोग्राफ इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल आपको बता दें कि ट्रेन की एक फोटोग्राफ उन्होंने शेयर किया है और यह फोटोग्राफ इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। आपको बता दें कि इस फोटो में सुपरस्टार पवन सिंह के साथ भोजपुरी की हॉट नायिका मधु शर्मा नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि इन दोनों की जोड़ी एक बार फिर से भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने वाली है उनकी नई फिल्म जय हिंद के बारे में। जी, आपको बता दें कि जय हिंद का पहला शेड्यूल सुपरस्टार पवन सिंह ने कम्प्लीट किया है और जिसका जानकारी उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दिया है। आपको बता दें यह फिल्म यसी फिल्म्स के बैनर तले निर्माण किया जा रहा है, जिसके प्रोड्यूसर अभय सिन्हा और समीर आफ्ताब हैं। जबकि फिल्म के मुख्य कलाकारों की बात करें तो फिल्म में पवन सिंह के साथ मधु शर्मा, समीर आफ्ताब जैसे मजे हुए कलाकार नजर आने वाले हैं, जबकि निर्देशक की बागडोर संभाली है फिरोज खान ने। अब देखना यह है कि जय हिंद के बारे में और डिटेल कब जानकारी दिया जाता है। वैसे आपको बता दें कि जय हिंद इतना सीक्रेट है कि इसकी जानकारी अभी तक और कुछ नहीं लग पाई है, लेकिन जैसे इसके बारे में कोई भी अपडेट आएगा हम आपको जरूर बताते रहेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए।